न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे जो ये एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान पे और जो ये कह रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नंबर टू है दो नंबर सर्जिकल स्ट्राइक है रखो आपसे शुरू करते हैं स्ट्राइक में कौन से एयर फोर्सेस की कौन सी विमान भाग लिए क्या इस पर हुआ था ज़रा बताएंगे इसके बारे में अभी तक की जो खबर है वो ये है कि इसमें मिराज एयरक्राफ्ट जो हिंदुस्तान के पास हैं और जिसको कि अपग्रेड किया गया है उसमें आधुनिक आ, एवियन एवियोनिक्स हैं इम्प्रूवड रेडार है आ, वेपन सिस्टम्स हैं हथियार हैं तो ये सब इम्प्रूव किए गए हैं ये मिराज टू थाउजेंड डैश फाइव कहलाते हैं और ख़बर ये है कि इनको भारत के अंदर से दो बेस से उड़ाया गया और जब उन्होंने एल को क्रॉस किया तो कुछ हिस्सों ने क्रॉस किया कुछ जहाज़ों ने और कुछ जहाज़ ने नहीं किया ताकि दूसरे साइड को पता ना चले कि कौन कहाँ पे जा रहा है और ये स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर काफ़ी दूर तक गया है ये जो बालाकोट का क्षेत्र है ये पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर जो है उससे भी आगे जाता है और ये उन्नीस के जंग के बाद ये पहली बारी है जब भारत के वायुसेना पाकिस्तान के अंदर घुसी है इस स्ट्राइक के लिए तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण माना जाएगा कि यहाँ तक स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान के, के ज़िले में ये हुआ है प्रोविंस में हुआ है मंदेरा ज़िला है right. और बालाकोट जो है शहर जो yeah. है छोटा सा ही शहर है तो उसके पास ये हुआ yeah. है तो उस पर तरह तरह के खबरें है तो इमरान खान ने कहा है कि हम मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट को ले जाएंगे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को ले जाएंगे दिखाएंगे ख़ास कुछ हुआ नहीं है और जो ख़बरें आ रही है कि एक कोई इंसान इंजोर्ड है हालांकि क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा एविडेंस क्या मिलेगा ये बताना बड़ा मुश्किल है अभी तक जितने ख़बर मिली हैं बीबीसी के एक करस्पोंडेंट उनकी जो उर्दू सर्विस है वो वहाँ पे गए हैं उस इलाके में और वहाँ के गांव वालों से बात की है जिन्होंने कहा कि रात में हम सब उठ गए थे क्योंकि बम गिरने के आवाज़ भी आ रहे थे और वहाँ पर हमने देखा कि चार पाँच बिल्डिंग डैमेज हुए हैं अब कितना डैमेज हुआ है कितना नहीं हुआ वहाँ पे लोग मरे हैं या घायल हुए हैं इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकते ये बात कि वहाँ पे जर्नलिस्ट को पत्रकारों को ले जाके दिखाना इत्यादि जो पाकिस्तान कह रही है करेंगे अब क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल होता है इस सिलसिले में पर यह है कि जहाँ तक मेरे ख़्याल से अगर भारत इस मामले में आ, केवल पाकिस्तान को और दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखिए आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया और हमने आतंकवादियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं आतंकवादियों के ख़िलाफ़ हमने एक्शन लिया तो लिया मेरे ख़्याल से चाहे जितने घायल हुए नहीं हुए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा गौतम ये बात तो सही है कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ये अटैक नहीं था फिर भी पाकिस्तान के अंदर घुस के आपने बमबारी की और ये एक हिसाब से पाकिस्तान की आर्मी की एयरफोर्स की ऊपर तो आएगा कि ये हुआ तो पाकिस्तान को क्या लगता है इससे आप एक्सपेक्ट करते कि इमरान ख़ान की जो रिस्पॉन्स होगी प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं तो इससे जंग की खतरा बढ़ सकती है या बढ़ने की संभावना है क्या लगता है मुझे नहीं लगता है क्योंकि उसकी दो वजह है अगर आप 2016 के सर्जिकल सोकॉल तथा कथित सर्जिकल स्ट्राइक को ले जो कि एक बॉर्डर रेट था हम 500 से दो किलोमीटर तक अंदर गए थे उसमें कम से कम हम कुछ सबूत इस तरह के थे कि वहाँ उन्होंने कुछ लोगों को मारा है इस हादसे में अभी तक इस तरह का सबूत नहीं आया और उस तुरंत याद होगा 2016 में इस हादसे के बाद डीजीएमओ इंडियन आर्मी ने अपने काउंटर पार्ट को पाकिस्तान में फ़ोन करके आगाह किया कि हमारा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ कोई कार्रवाई करने की इसी तरीके से अभी भी हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने भी अपने वक्तव्य में बड़ा क्लियर संकेत दिया कि ये जो पूरा एरियल स्ट्राइक था वो जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कैंप के ऊपर हमला किया गया है और आ, कुछ लोगों का तो यह कहना है कि इतना बड़ा कह था तो जॉइंट कह था लश्कर और जैश का मिलकर बहरहाल लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि टारगेट उनका जैश मोहम्मद का था मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2016 में सर्जिकल तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई उसी तरीके से इस बार भी मुझे उसी की संभावना लगती है और इसलिए भी क्योंकि जब तक कोई सबूत नहीं आता बॉडी काउंट का कि कितने लोग मारे गए तब तक पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं बढ़ेगा कि वो उसका बदला ले तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो वाकई जो टीम जा रही है वो वहाँ से कुछ हासिल कर कर कुछ दिखाती है कि हाँ वे वाकई लोगों की मौत हुई है इतने लोग मरे हैं जैसा कि हिंदुस्तान के कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि 300 के करीब तक मिलिटेंट्स को उन्होंने मार गिराया है जो कि एक बहुत बड़ी घटना होगी अपर उत्तर ऊपर से इस तरह का कुछ सबूत तो बहुत ही मुश्किल को नहीं मिल सकता। बहुत ही मुश्किल है जहाँ तक कुछ लोगों के बारे में कितना डैमेज हुआ है कुछ खबरें मिल सकती हैं अगर आपने रेडियो कम्युनिकेशन को ट्रैक किया हो कुछ आपस में बातचीत हुई हो उस खबर से आप आ, कुछ सीख सकें तो आ, हो सकता है गौतम जो कह रहे थे उस पर मैं आ, दो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा एक तो लगता है कि दो तीन दिन पहले भारत ने अमेरिका को इतला किया था कि ऐसे कुछ होने जा रहा है Uh, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प के बारे में आप जानते ही हैं कि वो चुप नहीं रह सकते तो तुरंत उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि भारत कुछ करने जा रहा है कुछ ठोस कदम उठाने जा रहा है तो तभी लग रहा था कि इस प्रकार की कुछ घटना होगी और भारत का अमेरिका को बताने का मकसद ये भी था कि अमेरिका पाकिस्तान को भी बताए कि देखिए भारत ऐसा कुछ करेगा आपके फौज के ऊपर अटैक नहीं होगा आपके किसी कैंप के ऊपर नहीं होगा ये आतंकवादियों के ऊपर होगा तो आप भी थोड़ा सा ठंडा रहिए और इसको ज़्यादा बढ़ाइए नहीं और पाकिस्तान के तरफ से आईएसआई की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस वग़ैरह से जो वो कह रहे हैं कि कुछ डैमेज नहीं हुआ जहाज़ अंदर आए पर हमारे जहाज़ टेक ऑफ कर गए उन्होंने डरा के जो है इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ वापस भाग गए मुझे ये लगता है वो भी दिखाने की ये कोशिश करेंगे कि कुछ खास नहीं हुआ इस पर ताकि इस पर तापमान जो है ज़्यादा बढ़े नहीं दोनों देशों के बीच में आ, मेरे ख़्याल से दोनों तरफ से ये कोशिश रहेगी सवाल दोनों के लिए है कि दोनों देशों के लिए है कि ये तो ठीक है आप एक बॉक्सिंग कर रहे हैं पर बहुत वक्त पर इन सब चीज़ों की सीमाएं जो है इतना एक दूसरे में साफ नहीं होता है तो और कभी कभी ऐसे भी घटनाएं होते हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं बेल। है बेल। क्योंकि यदि क्या कहते हैं कि ट्रिगर हैप्पी कोई भी कोई जनरल हो ये भी हो कैप्टन कप्तान भी बेल। हो कोई भी कोई बड़ा घटना घटा दे तो उस पर कोई काबू तो पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है कि इस पर आप दिखें कि लाइन ऑफ कंट्रोल उस साइड से थोड़ा सा अगले दिनों में जाते जाते आप शायद देखेंगे कि क्रॉस क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर फायरिंग भी हो रहा है एक एक जारी है जारी पिछले तीन साल, तीन साल, साल से, से तो थोड़ा सा दो हजार सोलह के बाद बड़ी थी बड़ी थी हाँ। तो हो सकता हो, है कि उसमें थोड़ा सा और इजाफा हो इस दौरान ताकि पाकिस्तान फौज को भी ये दिखाने को हो कि हमने भी कुछ किया तो आप दोनों का तो भी भी एक चीज़ में जोड़ना चाहता हूँ उसमें मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं ये न केवल हिंदुस्तानियों के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन पाकिस्तान के लिए भी है तो मेरा ये मानना है कि उनकी तरफ से मतलब एक्सीडेंट तो कभी भी दुर्घटना होने में तो किसी का कोई वो कंट्रोल नहीं रहता है लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की फौज और सरकार का सवाल है उनकी कोशिश होगी इस पर कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया मतलब कोई रिस्पॉन्स ना हो वो उनके फ़ायदे में होगा ऐसा मेरा मानना है धन्यवाद आप दोनों को हमारे साथ रहने के लिए इस चर्चा में आज के लिए इतना ही है देखते रहेगा न्यूज़ क्लिक